रोटरी क्लब खरगोन सिटी ने आज मातृशक्ति विशेष दिवस मनाया, जिसमें क्लब के मेंबर कमलजीत सिंह गांधी और प्रोजेक्ट चेयरमैन मनीष जैन ने बताया कि आज क्लब की महिला रोटरियंस ने स्वयं अपने हाथों से रोटी आहार केंद्र पर वितरित होने वाले भोजन की सेवा की और मुख्य चौराहों पर हम सब की सेवा में लगे पुलिस जवानों को सैनिटाइजर और स्वल्पाहार की सेवा की। वैक्सीनेशन सेंटरों में सेवा में लगे कर्मचारियों के लिए भी नाश्ते की सेवा, पश्चात हॉस्पिटल परिसर में स्थित आहार केंद्र पर हॉस्पिटल में सेवारत कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और कोविड वार्ड में हम सब की सेवा में लगी नर्सेस का पुष्पहार और दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया गया। बच्ची श्रुति रतोरिया द्वारा अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जरूरतमंदों मरीजों के परिजनों के लिए आज के भोजन की सेवा की और रोटरी आहार केंद्र पर भी सभी सदस्यों के बीच में अपने जन्मदिन का केक काटा। आज इस आयोजन में शालिनी रतोरिया, मंजित कौर, वैशाली महाजन, वर्षा भटोरे, अंकिता जैन, सोनाली भावसार, भावना मोटवानी सहित बड़ी संख्या में महिला रोटरियंस उपस्थित थी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज यहां पर रोटरी क्लब खरगोन सिटी की ओर से फ्रंट लाइन वर्कर्स जो अपना पूरा समय यहां पर सेवाएं दे रहे हैं, कोविड पेशेंट का दिन भर ध्यान रख रहे हैं, तो रोटरी क्लब खरगोन सिटी उनका स्वागत किया है और साथ ही रोटरी क्लब खरगोन सिटी के द्वारा जो रेगुलर सुबह 11 बजे से शाम को 11 बजे तक आहार वितरण किया जा रहा है, उसमें आज रोटरी क्लब की मातृशक्ति द्वारा विशेष तौर पर यहां आकर अपनी सेवाएं दी गई हैं। हमारी जो रोटरी क्लब की महिलाएं हैं, साथ में सदस्य हैं, वो सारे मिलकर पूर्ण रूप से इस कोविड की महामारी में अपना योगदान देना चाहते हैं और साथ में ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो खरगोन सिटी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक इस सेवा के कार्य में जुड़े। और आज हम देख रहे हैं कि जो इस महामारी में सब परेशान हो रहे हैं, तो उनको अपनी तरफ से कुछ भी अपना योगदान है। क्या नाम आपको? मैं श्रीमती वर्षा भटोरे, रोटरी खरगोन सिटी। आज का जो दिन है, खरगोन की मातृशक्ति ने सेवाओं के लिए पूरा दिन अपना दिया है। सबसे पहले भोजन बनाना, भोजन बनाने के बाद वॉलेंटियर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वितरण करना, उसके साथ साथ उनको सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना और साथ ही साथ आज ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो आहार सेवा केंद्र है उस पर आज की सेवा जो है वो महिलाओं के द्वारा दी गई है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि खरगोन में जो कोविड की महामारी ने जो भयावह दृश्य बनाया था, हम मिनिमम रिसोर्सेस में भी मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ, तो वो कहीं ना कहीं इन वॉलेंटियर्स के कारण, ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके कारण हो रहा है। सफाई कर्मी हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सब ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तब जाके आज हम इससे थोड़ा कहीं ना कहीं उबर पाए हैं। ये बहुत सकारात्मक बात है और हम सभी उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और महिलाएँ उनकी जो सेवा है, उनका जो समर्पण है, उसके लिए विशेष उनका अभिनंदन करती हैं। और जितने भी मरीज इस हॉस्पिटल परिसर में पहुंच रहे हैं, उनको निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए रोटरी क्लब काम कर रहा है। ये सेवा सुबह 11 से रात्रि 11 बजे तक की अनवरत जारी है, ये वर्ष भर जारी रहेगी। इस क्लब के माध्यम से इस परिसर में आने के बाद हमने ये महसूस किया, यहाँ देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि चाहे मैटरनिटी वार्ड का हो, चाहे कोविड पेशेंट के रिलेटिव हों, हर किसी को यहाँ से भोजन की सेवा मिल पा रही है और इसमें हमें खरगोन की जनता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और समर्थन मिला है। हम उनसे भी बहुत आभारी हैं कि उनके सहयोग के कारण आज ये व्यवस्था अनवरत जारी है, सफल जारी है। और आज जिन महिलाओं ने अपना बहुमूल्य समय और सेवा यहाँ दी है, हम उनको भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका नाम? शालिनी रतू। क्लब खरगोन सिटी द्वारा पिछले 25 दिनों से जरूरतमंदों के लिए भोजन सेवा चालू की गई। यह सेवा दिन के 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक निरंतर जारी है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग व्यंजन मरीजों के परिजनों, जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं और साथ में पार्सल की सेवा भी यहां से दी जा रही है। साथ में फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए प्रतिदिन सवेरे हर वैक्सीनेशन सेंटर और चौराहे पर जो पुलिसकर्मी हम लोगों की सेवा में लगे, उनके लिए निरंतर नाश्ते की सेवा जारी है। ऐसे ही क्लब अलग अलग सेवा कार्यों में प्रतिदिन निरंतर सेवा में जुटा हुआ है। धन्यवाद। अमेरिका इससे जुड़ा हुआ है और अमेरिका का जो ध्येय है सेल्फ अवर सर्विस, उसी सेवा भाव से हमसे ऊंचे आने ऊपर से उठकर सेवा करना, ये हमारा मानव धर्म है और रोटरी ने यही अपनाया हुआ। रोटरी क्लब खरगोन सिटी एक नया क्लब खुला है यहाँ पर,
ये अपनी निरंतर सेवा दे रहा है और अच्छी तरह से हर प्रकार से हर मरीजों को हर मानव को सेवा देकर प्रतिबद्ध है। आज हमारे साथ में महिला मंडल भी जुड़ी हुई है। अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि महिला एक रोटी में जुड़ती नहीं थी, लेकिन खरगोन के अंदर, खरगोन सिटी के अंदर जो हमारे क्लब में जिन महिलाएं जो आज महिलाएं हैं इन्होंने सहयोग किया है, ये बड़े भाग्य की बात है कि इसमें ये लोग जुड़ी हैं और ये भाग्यशाली हैं कि मानव समर्थ भाव लेकर ये अपना काम कर रही हैं। और मैं अभी हम पिछले वक्त भी अभी हमने 5 तारीख को रोटरी क्लब खरगोन सिटी की तरफ से पल्स ऑक्सीमीटर हमने 10 दिए थे इनको सज्जन को, और उसके बाद भी हम निरंतर सेवा कर रहे हैं, जन सहयोग मिल रहा है। और हमारी यही धारणा है कि इस कोविड काल में ये सबसे बड़ी आपदा है जिससे निपट पाना हर के बस की बात नहीं होती, लेकिन इस आपदा काल में भी महिलाएं हमारे साथ आके अपना आगे आ रही है और काम कर रही हैं और सबकी सेवा हमें जुड़ी हुई है। तो इसलिए उन महिलाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका अभिनंदन करता हूँ। और मीडिया जितनी मीडिया कर्मी हैं, जितनी मीडिया के अधिकारी हैं और जो हम लोगों के साथ मिलकर हमारी जो प्रचार करते हैं तो उससे हमें उत्साह मिलता है और जनभावनाओं को उत्साह मिलता है, तो वो हमको हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो मीडिया कर्मी को भी, मीडिया विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन, उनका स्वागत करता हूँ। रोटरी क्लब खरगोन भी उनका स्वागत करता है। इसलिए अतः आप हमें हमसे जुड़े रहें, हम भी आपसे जुड़े रहें और जन जागृति फैलाकर हम अच्छे कामों के प्रति समर्पित रहें। और ऐसे आप किसी भी काल में कहीं भी जरूरत पड़ती है हम हमेशा तत्पर रहेंगे। यदि आप भी हमें कुछ बोलेंगे तो हम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय रोटी, जय भारत। मैं कन्हैयालाल राठौर रोटरी क्लब सिटी अध्यक्ष मनीष भैया भैया सबके सानिध्य में रोटरी क्लब बनाया गया है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे 20 साल के जो नए युवा है ये लगातार निरंतर रोटरी क्लब की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते आए हैं। ये खाना बनाने में, खाना का व्यवस्था करने में ये सबकी सहायता करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम आपका? शुभांशु गुप्ता, रोटरी क्लब अध्यक्ष, रोटरी क्लब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।